दूर कीजिए दूर। जय किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मन तू भजो गुरु का नाम मन भजो गुरु का नाम दया मेरे से नर्तन पायो माति करना मान तू भजो गुरु का नाम एक दिन खाली पड़ा रहेगा जा से समसान जा मन तू भजो गुरु का नाम जो धन तुझको दिया गुरु ने इससे कर कछु काम मन तू भजो गुरु का नाम अंत समय यो ही लौट जाएगा संग न जाइ छदाम मन तू भजो गुरु का नाम यह संसार रे आई किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम चारे देना के संगी सब अंत न आवे काम या
मन तू भजो गुरु का नाम तासे चेत करो सतसंगते ता भजन करो आठोयाम मन तू भजो गुरु का नाम मान ये ही भजन तेरे संग चले पावे गाया राम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर चढ़ो तीर कुटी धाम मान तू भजो गुरु का नाम काल करम से बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम में मान तू भजो गुरु का नाम धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंध पूरन धनी नेत करूं तुम सेव अचल भक्त मोई देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे जय नर नारियो ये समय बड़े सौभाग्य से कभी कभी किसी को मिलता है, नहीं तो जीवन तो आपका अंधेरे में अज्ञान में व्यतीत हो रहा। दिन में काम करते हो और शाम को घर में बाल बच्चों की सेवा करके सो जाते हो, इतना ही आपका काम और दिन रात का है। इसके आगे ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, ये आपको मालूम नहीं होता है कि ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक है और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि इस मनुष्य शरीर का असली काम असली उद्देश्य है, किस काम के लिए आपको यहाँ मृतलोक में ये दिया गया है। तो इसको सब लोग बस इस झगड़े झंझट में खाने पीने में उठने बैठने में लड़ाई झगड़े में इसमें सब बिता देते हो, रात को भी वही संकल्प देखते हो और दिन को भी वही देखते हो, ना आपके हाथ में रात का पड़ेगा और ना आपके हाथ में दिन का पड़ेगा।
ये मनो शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको मालिक ने दिया और ये कहा कि देखो मेरा ये मनो शरीर दिया हुआ ये साफ सुथरा है और तुम इसमें बैठकर अपनी जीवात्मा का कल्याण, अपनी जीवात्मा को भगवान के पास में पहुंचा दो। हमारे मकान को गंदा मत करना, मैं तुमको तो किराए पर देता हूँ, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए, समय पूरा होते ही मैं आ जाऊँगा और तुमको मकान से बाहर निकाल कर और मैं अपना मकान ले लूँगा। उसने ये कहा मेरे मकान में गंदगी मत जमा करना। तो आपने उसके अमोलक मकान को जो आपको दिया गया है उसमें कूड़ा कचरा पाप और पुण्य अच्छा और बुरा आपने इसमें भर लिया। अब श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है तो वो आने वाला है और सामने खड़ा हो गया कि मकान को खाली कर दो, अभी आप क्या करोगे? उसके सामने होश उड़ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जबान आपके मतलब ये वो भी बंद हो जाएगी, बुद्धि जो है वो पागल हो जाएगी, कहेगा निकलो मकान, पहचानना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, समझना भी बंद और मनुष्य रूपी इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर करेगा, फिर तुमको ले जाएगा और वहाँ पर हिसाब करेगा कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उसी कर्म के आधार पर तुमको पशु में, पंछी में, कीड़ों में जाकर के बंद कर देगा, फिर यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। यह अमोलक उसने आपको ये निधि दी है, हमको ये चाहिए कि इसमें जीवात्मा बैठी उसको जगाया जाए। तो आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हो, भाई किस रास्ते से भगवान देखा जाएगा, किस रास्ते से मिल जाएगा, कोई रास्ता है मनुष्य रूपी मंदिर में? तो सबके पास भगवान के पहुंचने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में, कहीं बाहर नहीं है कि तुम पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, तुम्हारे मनुष्य मकान में उसके पाने का, देखने का, दर्शन का और जीव को यानी मतलब यह है कि पार करने का इसी से रास्ता। तो तुम किसी जानकार के पास जाते, उससे पूछते कि भाई भगवान के मिलने का कोई रास्ता है, तो वो बता देता आपको और फिर कहता कि देखो ये रास्ता है, इससे चलो। तो देवी और देवता और भगवान और ब्रह्मा और विष्णु महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब मिल जाएंगे। तो आप तो दिन भर इस काम में लगे रहते हो, दिन गया धंधे में, रात गई तो हीरा जलम अमोल था कौड़ी बदले जाए। क्या आपने कर दिया मनुष्य शरीर पाकर, क्योंकि ये तो अमोलक मनुष्य शरीर है, सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दिया जाए और इसकी आरती की जाए कि हमको फिर से मनुष्य शरीर ये खड़ा कर दो, दे दो, इसमें जीवात्मा को वापस ले आओ, तो ये धन दौलत नहीं कुछ कर सकता। ऐसा आपको सबको अमोलक मनुष्य शरीर दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अर्जुन हो, मुसलमान, ईसाई हो, भगवान के पाने का सबको ये अवसर दिया। आप कहोगे हमको भगवान के पाने का अवसर नहीं मिला, तो इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? अब आपको इसमें बैठकर किसी महात्मा की खोज करना है जो भगवान को पा चुका, उसको अगर आपने पा लिया और उसके पास पहुंच गए तो भगवान के पाने की आपने इच्छा जगा देगा, और जब इच्छा जाग जाएगी तो आप कहोगे मुझे रास्ता बताइए, तो रास्ता देगा। फिर आप बैठ कर के मनुष्य रूपी इस मकान में फिर भजन करना, जब भजन करोगे तो तुम्हारी दिव्या ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलेगा, उस नेत्र से भगवान और देवी और देवता देखे जाते हैं। ये बाहर की जो चर्म आँखें, जो शरीर की आँखें, ये देवी देवता को, स्वर्ग और वैकुंठ को नहीं देख सकती हैं। जब तुम्हारी अंदर की आँख खुल जाएगी वो उनको देखेगी और उससे मिलेगी और भगवान को देखेगी, तब बेड़ा पार, तब भवसागर से उतरोगे। ऐसे नहीं मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों आँखों के बीचों बीच में सब मनुष्यों में ये जीवात्मा बैठी हुई है। इधर देखो आप, ये दोनों आँखों के बीचों बीच में, तो ये शरीर के नाके के ऊपर बैठी है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर मनुष्य शरीर का नाका। तो जो आपको यहाँ बैठाया था और आपने ये कहा था
कि जिसको पकड़ के आए उसको छोड़ना नहीं। तो आप सुख सुविधा में लग गए और ये संसार के ये काम ये करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे और इन पर्दों को ये कहने लगे ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, खेती मेरी है, पेड़ मेरा और ये मेरा और ये मेरा। तो इस लोभ लालच में मोह ममता में फंस गए तो अंदर में मैल जमा हो गया। तो अंदर की तुम्हारी जो जीवात्मा की आँख थी एक, वो तो हो गई बंद, अब देखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। तो दो आगे तुम्हारी शरीर में और एक जीवात्मा में, तीन आँख हो गई। तीन तुम किताबों में देखो उसमें लिखा हुआ है कि महात्माओं के पास जाओगे तब तीसरी आँख तुमको मिलेगी और बिना महात्माओं के गए हुए तीसरी आँख नहीं। और तीसरी आँख से स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इन चर्म आँखों से देवी देवताओं को आप नहीं देख सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जीवात्मा बैठी है उसमें एक कान है और शरीर में दो कान, तो बाहर के कान बाहर की आवाज़ सुन दे और जीवात्मा का कान भगवान की आवाज़ को सुनेगा। तो तुम्हारे घट घट में मनुष्य रूपी मकान में घंटे और घड़ियाल आरती पूजा 2400 घंटे हो रही है, तुमने कभी अपनी जीवात्मा से उसको सुना और देखा? सो रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे, न तो ये जमीन जाएगी, न ये बच्चे जाएंगे, न तुमने सोना चांदी जमा किया वो जाएगा, न कपड़े जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, सब छोड़ के और तुमको यहाँ से निकाल कर इसी मकान को उठा करके वहाँ जंगल में ले जा कर के शमशान में पहुँचा के जला देंगे। क्या आपके साथ जाएगा? क्या ले आए थे आप? कुछ नहीं, अकेले आए थे। जब जाने लगोगे तो अकेले जाओगे, लेकिन इस माया में, इसमें ऐसे जड़ माया में फंस गए हो कि तुमको अपना होश ही नहीं है कि मुझे, मैं किस रास्ते से आया हूँ, कैसे वापस जाऊँगा, रास्ता भूल गए। अब महात्मा महापुरुषों की ज़रूरत है वो रास्ता बताए, बिना उनके रास्ता बताए हुए जो जानता है वही रास्ता मनुष्य रूपी मकान में बताएगा। और तुम्हारा ये जो दिल है, ये हृदय जो कूड़ा कचरा पाप और पुण्य का यहाँ भरा, यहाँ नहीं, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, ये सब यहाँ पर भरा हुआ, उसको महापुरुष साफ करेंगे और फिर जब सफाई कर देंगे तो मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो जीवात्मा जब साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगना और देखने भी लगना। जब दिखाई देगा तो देवी देवताओं से मिलना भी, उनसे बात भी करना, और जो उसका रचने वाला जो है, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसी दुर्गा भी दर्शन साक्षात्कार होगा। लेकिन तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ही उसका घाट है, उसके पास जाने का। ये असली मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसी बॉडी को कहते हैं चर्च। इसमें जीवात्मा बैठी हुई और जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इसमें आकर के फंस गई। अब इसको कैसे निकाला जाएगा वो तो महात्मा जब युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो धीरे से ये जीवात्मा, मतलब ये जाग जाएगी और निकल के बाहर, शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी होती है? जैसे मृत्यु के वक्त में जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया शरीर, ये पड़ा। ऐसे ही साधन भजन करने पर जीवात्मा अलग हो जाती है और शरीर ये पड़ा वो अलग हो गई, तभी तो आप परमात्मा को देख सकोगे। जीत है जी, सबने कहा है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो जीते जी भगवान को पाओ। अरे भाई मीरा ने जीते जी पाया, तुलसीदास ने जीते जी पाया, रैदास जी ने जीते पाया, जब कलयुग में इन लोगों ने जीते जी बहुत महात्मा महापुरुषों ने और सेवकों ने प्राप्त कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन कोई महापुरुष प्राप्त करने वाला मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जीवन अपना ऐसे ही चला जाएगा। ये जो आप कर्म करते हो ये इंद्रियों का बाहर का कर्म है, जड़। तो जड़ कर्म से जड़ चीज मिलेगी, जड़ कर्म करोगे, इंद्रियां जड़ है, आँख भी जड़ है, कान भी जड़ है, मुख भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, पैर भी जड़, ये सारा शरीर जड़, और ये सब सामान जड़ है। तो तुमने जड़ की पूजा, जड़ की प्रार्थना, जड़ का काम और जड़ के कपड़े और जड़ का जल और जड़ की अग्नि, जड़ की वायु, ये सब जड़ का, तो आप इसमें फंस जाओगे तो आपको जड़ चीज़ मिल जाएगी। और इस जीवात्मा को जब जगा लोगे मनुष्य मंदिर में
तो फिर आपको चेतन चेतन मिलेगा। जीवात्मा चेतन है, चेतन का चेतन से भजन करोगे तो चेतन मिल जाएगा। ये जड़ है, शरीर जड़ और ये सब साधन सामान जड़, तो आप लोग इसमें उलझ गए और फंस गए। लेकिन ये पूजा जो सच्ची है, आत्म पूजा, परमात्म पूजा, ये आत्मा की और देव पूजा, वो तो आप नहीं कर पाते। वो तो मनुष्य रूपी मंदिर से उसका रास्ता तब आपको मंदिर मिलेगा। वो तो चमकता है मंदिर, वो तो रोशन मंदिर है, वहाँ तो अंधेरा होता नहीं है, वहाँ तो बिजली जलती नहीं है, सूरज निकलता नहीं है, वहाँ मतलब वहाँ रात्रि होती नहीं है, इस तरह के पाप और पुण्य नहीं। ऐसे मंदिर में पहुंचकर अपनी जीवात्मा से मनुष्य रूपी मंदिर में उसकी पूजा करो, सच्ची चेतन पूजा, तो जीव कल्याण हो जाए सदा के लिए, ये मुक्त हो जाए, छुटकारा पा जाए। और तुम सच्ची पूजा नहीं करोगे तो इसमें फंस जाओगे, तो आपको क्या मिलने वाला? अरे पाप और पुण्य, इसका फल पा जाओगे। आप तो पुण्य करते नहीं हो, पापी पाप दिन और रात करते हो, तो बताओ कैसे तुमको फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा और कैसे भगवान मिलेगा? उसने तो कहा मन और बुद्धि और चित्त है ये निर्मल और अंतर निर्मल जिसका हो जाएगा वो मुझको प्राप्त कर ले। तो आपने तो मन बुद्धि चित्त है अंतःकरण निर्मल नहीं किया, ये तो काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार में फंसे रह गए, इसमें इस गंदगी को अपने ऊपर लाते रहे, पहाड़ों की तरह से लाद लिया, तो इसको उतारेगा कौन? ये सारा जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। चार खाने बनाइए, पशु योनि, पंछी योनि, कीड़ों की योनि, थल की योनि, इसमें इसमें से निकाल के उसमें बंद कर देगा, तो कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी चूहे की योनि में, कभी गाय की योनि में, कभी शेर की योनि में, कभी मछली की योनि में, और कभी मगर की योनि में, कभी जीव जंतुओं में, इसमें बंद कर देगा। और अपना कर्जा जो आपने लाद लिया उसके देश में, वो लेना देना पड़ेगा। ये कर्जा का देश है बच्चा, ये देश अपने घर में जाने का नहीं है। कर्जा ले और दे, कर्जा ले, कर्जा तुम ले लोगे तो मैं ब्याज के उसको चुकाना, और आप चुका नहीं सकते हो, तो कर्म कर्जा है। जो पाप पुण्य करते हो यहीं पर देना आपको, यहीं आपको जन्म लेना, यहीं मरना, इससे छुटकारा इस जीव का नहीं हो सकता। और जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब आपने बर्बाद कर दिया, अब की मिला उसको भी ऐसे ही गवाए देते हो। ये फिर शरीर मिलेगा, अब की बार हाथ से चला गया तो ये गांव आपको, ये बच्चे आपको, ये सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो दूसरी योनि में कई जंगल में बंद कर देगा, वहाँ करोड़ों वर्षों तक भटकते रहो, रोते चिल्लाते रहो, उस दुख और दर्द में कौन सुनवाई करेगा? और नरकों में भेज दिया तो वहाँ कितने नाम के नरक हैं, उसमें सजाएं देगा, वहाँ से लौट के आ नहीं सकते हो। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करो, किसी महात्मा की खोज करके उससे पूछो भगवान के मिलने का कौन सा रास्ता है, तो जो जानता होगा रास्ता तुमको मनुष्य शरीर में बताएगा। फिर घर में आके दिन में खेती करो, दुकान और दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और एक घंटे का समय लगाकर मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का अपनी जीवात्मा से भजन, तब वो परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद बच्चा मिलने वाला नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मेरे लोग पीछे के चले गए, वो स्वर्ग चले गए, उनकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे पास में आई है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, और तुम यहाँ बैठे हुए हो स्वर्ग के दरवाजे पर, और तुमको भी पता नहीं स्वर्ग क्या चीज है। अरे दरवाजे पे बैठे हो, इधर मनुष्य शरीर का दरवाजा, उधर स्वर्ग का दरवाजा, और मनुष्य शरीर में बैठ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तो मरने के बाद पहुंच जाओगे? उनकी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तुम भी चले आना, तुम भी चले आओगे, और न तुम जानते हो कि मेरे जाने वाले घर के कहाँ गए, उसका पता तुमको नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर के द्वारा अगर तुम पहुंच गए स्वर्ग में तो पहुंच गए, और ऊपर चले गए तो चले गए, और नहीं पहुंचे तो स्वर्ग जाने वाले मरने की बात नहीं हो। इसलिए खोज करो कि मनुष्य मंदिर है, ये असली मंदिर, इसमें घंटे घड़ियाल 2400 घंटे परमात्मा के बज रहे। लेकिन तुम्हारी अगर आँख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, तो बाहर से न तो सुनाई देगा न दिखाई देगा। इसी तरह से तुम्हारी अंदर की दिव्य आँख और दिव्य कान तुम्हारे बंद हो गए तो सुनाई और दिखाई नहीं देता, तुम्हारे अंदर के
वो दिव्य आँख और दिव्य कान खुल जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे, मंदिर में सच्ची आरती करो तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। पूजा करो प्रेम के साथ, पूजा कर लो, लेकिन देवता से ये कहो कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मनुष्य रूपी मकान में बैठकर मैं अपनी जीवात्मा को जगाऊं और दिव्य नेत्र खोल करके आपका सच्चा दर्शन करूं, ये ठीक। और मांग मांगो कि कोई महात्मा जानने वाले मिल जाए जो वहां तक पहुंचे हो देवी देवताओं के पास और उस परमात्मा के पास, और वो हमको रास्ता बता दे और उनकी कृपा से और दया से रास्ता पा जाए, हम आपके पास और भगवान के पास पहुंच जाए। ये देवी देवताओं से गंगा जमुना से प्रार्थना करना चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी सद्बुद्धि दो कोई पाप कर्म न करे, कोई झूठ न बोले, धोखा न दे, बेईमानी न करे, जितना भी काम करे नेक काम करे, अच्छा काम करे, पुण्य का काम करे, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, किसी के घर में किसी के खेत में चोरी न करे। ये देवताओं से प्रार्थना आपको गंगा जमुना में स्नान करते हुए करना चाहिए, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस जीवात्मा को इस जड़ से इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया। और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा आपने दिया वैसे तुमको दे देना, फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जलमत मरण दूसरे तो कोई जमने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए, हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा, देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहाँ जा करके उस जीवनी में बंद करो इसको, तो बताओ आप क्या करोगे, बोलो आप करोगे क्या, उससे बच जाओगे। इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे, धोखा न दे, और अच्छे काम करे, सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूँ, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में, तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, और यहीं से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ, और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बाकों से आपको क्या पता, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमोला दे दिया गया, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है, और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है, हे बच्चे बच्चियों ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के, तुमको खेत में रहोगे, खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रस्ते में वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, उस जगह निकाल बाहर करें, बताओ फिर आप क्या ले आए थे, अजय क्या ले जाओगे बताओ, ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली करना, क्या हम ले जाएंगे, हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी, जब ये नहीं जाएगा वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, तो न ये सामान मिलेगा और न ये उससे मिलेगा, नहीं ये उसको देख सकता है ना सामान इसको देख सकता है, ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है, तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ
और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब फिर तब परमात्मा की पूजा करे, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम। तुम एक घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए?